आप सब लोग ऐसा करती हूँ, सब लोग अच्छे अच्छे रहे, स्वस्थ रहे, मस्त रहे, बहुत बहुत खुश रहे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारे सारे काम निपट गए हैं और मैं सारा काम कर चुकी हूँ। सुबह का बज रहा है इस समय 10 बज रहा है और 10 बजे मैंने ब्लॉग स्टार्ट किया हुआ है। तो फ्रेंड्स, आज आप लोगों को पूरी वीडियो आने वाली है, गोद भराई की वीडियो, तो प्लीज़ ज़रूर देखना। और हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा अपना प्यार सपोर्ट बनाए रखना। जो लोग मेरे चैनल पर नए आए हुए तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना। तो चलो फ्रेंड्स, आप पूरी गोद भराई की वीडियो को एंजॉय करिए और मुझे कमेंट करिए। तब तक मैं अपने काम निपटाने के बाद मिलती हूँ। तो यहाँ पर हमने बना रहे हैं मूली के पत्ते की सब्ज़ी, दाल, चावल। तो ये पत्ते जो हमने उस दिन कट करके रखे हुए थे, तो मैंने इसको डलिया में और इसमें हमने टॉवल ढक दिया था, छोटी किचन टॉवल ढक दिया था। और सब्ज़ी मेरे एज इट इज़ रखी हुई है, मस्त एकदम से फ्रेश। आपको दिखाएं, ये देखिए बिल्कुल एकदम फ्रेश। तो चलो, हरी पत्ते की सब्ज़ी तो खानी चाहिए, लेकिन बहुत अच्छे से साफ़ करने के बाद, बहुत अच्छे से उसको क्लीन करने के बाद में। तो चलिए, सब्ज़ी तो हमारी जैसे जैसे मैं पलटती जाऊँगी, सब्ज़ी इतनी एकदम सिंक हो गई। देखो, दाल भी हमारी पक गई और हमारा चावल पकने को रह गया है। और जब तक हमारी सब्ज़ी पक जाती है, इसका दाल पकाती हूँ। और हाँ, इसके बाद में जाइए और वीडियो देखिए, एंजॉय करिए गोद भराई का वीडियो। मैं जाती हूँ स्कूल को लाने के लिए। कहूँ कि पापा वो अपने काम से गए हुए हैं, तो फिर मेरी ड्यूटी होती कि मैं बच्चों को लेकर के आऊँ। तो बस टाइम हो गया, जा रही बच्चों को लेकर के आती हूँ। खाना मेरा बन गया, सारे काम मेरे हो गए हैं। और ये तकिया को मैंने ही फैला करके रखा, क्योंकि मैं इधर अभी लेटी थी तो मेरी भी आदत ना कुछ अच्छी नहीं है, मेरी भी बहुत उठ पटांग की आदतें हैं। हाँ, उठ पटांग की आदतें हैं, हाँ तो होना चाहिए। हम कौन से इतना बूढ़े हो गए कि मेरी उठ पटांग की आदत ना हो, होनी चाहिए, सब में होनी चाहिए, बस घर नहीं फैलना चाहिए। ये रूल तो सिर्फ पतियों के लिए कि घर नहीं फैलना चाहिए, उठ पटांग की आदतें पत्नियों की होना चाहिए, पतियों की नहीं। तो चल बच्चों को लेके आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर लड़की का आगमन हो गया, मेरी सिस्टर कोमल का। तो फ्रेंड्स, सब तो बहुत अच्छा था, लेकिन एक चीज़ इतनी गंदी लगी, पता भैया कैसा रस्म और रिवाज ये लोग निभा रहे थे, कि मतलब तैयार होकर के लड़की आई और उसको ना तो उसको अपने कुछ पहनने दिया और ना ही अपना कुछ दिया पहन करके आने के लिए। मतलब वहाँ नीचे ये देखिए, तो मतलब वहाँ नीचे ना कुछ अपना पहनने दिया, ना ऊपर से अपना कुछ दिया, और यहाँ पर आकर के मतलब उसको गले में, कान में, नाक में पायल सब कुछ पहना रहे थे। तब तक उतनी वीडियो तो बेकार हुई ना, और ना ही चूड़ियाँ पहनने दिया। भाई ये तो मेरे को पहला कुछ समझ में नहीं आया, और क्या ही कहने, कोई बात नहीं, अपना अपने घर का अपना जो भी जैसा भी है रीति रिवाज, मुझे नहीं पता, लेकिन अच्छा नहीं लग रहा था यार। मैं तो मतलब अब 21वीं सदी में आने के बाद भी ऐसे लोग हैं तो क्या ही कहने। तो चलो कोई बात नहीं, जैसा है अच्छा है, चलो हो रहा है। तो यहाँ पर अब कोमल को पहनाया जा रहा है चूड़ियाँ, कान के जो टॉप से वो भी हो गया, गले का भी हो गया, नाक का भी हो गया, और आई थिंक पायल भी पहना दिया है। तो यहाँ पर अब चूड़ियाँ पहनाई जा रही हैं। तो मतलब दिखाना ही था, ठीक है आप दिखा रहे हो तो पता ही कि आप लोग ही लेकर के आए हो, लेकिन क्या ही कहने, चलो। तो यहाँ पर अभी चूड़ियाँ पहनाई जा रही हैं और इसके बाद में होगा जो गोद भराई की रस्म होती है। तो यहाँ पर हमारे जब गोद भराई की रस्म होती है तो सबसे पहले जो गोदी में या तो जेठ या नंदोई होते वो डालते हैं,
ऐसे ही डालते हैं। तो यहाँ पर तो अभी यहाँ पर देखिए कौन आने वाला है, अभी तो मुझे पता नहीं, वेट एंड वॉच। तो एक नज़ारा चारों तरफ मार लीजिए, ये देखिए सब लोग गोद भराई की जो प्रोग्राम चला उसी को एंजॉय कर रहे हैं। तो यहाँ पर डाला है, ये हैं कोमल के जेठ जो भैया ने डाला हुआ है, ये कोमल के जेठ हैं। तो सबसे पहले जेठ ने डाला हुआ है जो भी मतलब पहला जो उनका हक होता है जो, तो उन्होंने डाल दिया। इसके बाद में फ़ोटो सेशन हुआ और फिर इसके बाद देखिए किसकी एंट्री होती है। तो ये जो ब्लैक और साड़ी और रेड ब्लाउज है, ये हैं कोमल की सास। और जिठानी और ननद को तो आप लोगों को दिखाया ही था, ये सास हैं। और इसके बाद में उधर पीछे साइड में जो बैठे हुए हैं वो मेरी भाभी, जो ग्रेप्स कलर की साड़ी पहनी है, तो वो भाभी हैं मतलब बुआ जी की बहू। ये आ गए नंदुई, तो इन्होंने डाला। इसके बाद नंदुई की बारी, तो इन्होंने फिर गोद भराई में जो भी अपना डालना होता है, पैसे मिठाई पाल वगैरह, इन्होंने डाला। और ये पास में ही ब्लैक लहंगे में बैठी हुई है इनकी ननद, जो कि साथ में साथ दे रही है अपने हस्बैंड का। तो ये इनके नंद नंदोई हैं। और कार्यक्रम तो बहुत अच्छे, सब बहुत अच्छे से निपट गया और अच्छा भी लगा, सब बढ़िया था। तो अब नंदोई जी भी डालेंगे पैसे, गुड नहीं ये तो देंगे। तो आप लोग कमेंट करिएगा कि आप लोगों को दोनों की जोड़ी कैसी लगी। वो आप लोगों को फ़ोटो आप लोगों को साथ में लास्ट में दिखा देंगे कि कैसी लगी आप लोगों की मतलब दोनों की जोड़ी। कपल जोड़ी तो मस्त है भाई, डोंट वरी। इसके बाद सब लोग बारी बारी से आकर के सब लोग अपना अपना डालने लगे, जितने लोग हैं। तो कैमरे वाले भैया ने कहा उधर से जाओ उधर से डालो, तो यही हो रहा था। तो ये सब लोग तो कोमल की शादी हो रही है, काफ़ी दूर है। और इसके बाद में हमने सोचा चलो आप लोगों को बीच बीच में दिखाते भी जाएं पिक्स वगैरह। सब कुछ बहुत अच्छा था, बहुत खुशी हुई। और इसके बाद यही सिलसिला चालू है, सब लोग बार अपनी अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे हैं। ये जो इस समय डाल रही देवी जी, ये मेरे बड़े ससुर की पोती हैं, ये बड़े भाई साहब की बेटी हैं। तो ये और इसके हस्बैंड कौन है मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे ये पता है कि मेरे बड़े ससुर की पोती है। आई थिंक ये होंगे जो बैठे साथ में, आई थिंक हाँ यही होंगे क्योंकि मैं जानती नहीं हूँ। सब लोग बारी बारी से, तो बहुत अच्छा लग रहा था। ये देखिए बाकी का सब पूरा पीछे का नज़ारा देखिए। तो सारी जितनी भीड़ थी वो खड़ी हो गई, और इस समय गर्म भी बहुत गर्म लग रही थी। तो चलो फ्रेंड्स, गोद भराई का जो वीडियो है आप लोगों को कैसा लगा कमेंट ज़रूर करना। और जल्दी से आप लोगों को मिलेगा एंगेजमेंट का वीडियो, तब तक के लिए गोद भराई की वीडियो। और इस ब्लॉग के बाद आप लोगों को आएगी एंगेजमेंट की ब्लॉग, तो ज़रूर देखना। तो फ्रेंड्स कमेंट ज़रूर करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। और जो लोग मेरे चैनल पर नए आए हुए हैं, चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना। और जिसमें कि मैं आप लोगों के लिए अच्छी अच्छी से चुन चुन की वीडियो लाती रहूं। तो अगली जो ब्लॉग आने वाली है वो इंगेजमेंट की आएगी, उसको भी पूरा इन्जॉय करना। और इस ब्लॉग को भी भरपूर सारी ब्लॉग्स जो मेरी आएंगी उनको सपोर्ट करना, प्यार देना। तो फ्रेंड्स यहीं पर आप लोगों से लेती हूँ विदा, तो फिर से मिलती हूँ नए ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, शुभ रात्रि। अपना ध्यान रखें, अपनी फैमिली का ध्यान रखें। फिर से मिलती हूँ अच्छे से एंगेजमेंट वाली ब्लॉग में। बाय बाय, गुड नाइट।